दोस्तों जय श्री राम। टॉन्सिल को काट देने के बाद की उपसर्ग, कभी कभी शल्य चिकित्सा टॉन्सिलों के काट कर निकाल देते हैं और उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के उपसर्ग प्रकट हो सकते हैं। उन उपसर्गों की चिकित्सा नीचे बताए दे रहे हैं। सल्फर, टॉन्सिल काट कर निकाल देने के बाद यदि छाती में जलन, दिन में भूख न लगना परंतु शाम को भूख खूब लगना, खुजली मचना तथा मीठा खाने की प्रबल इच्छा होना तो सल्फर देना है। यदि ऋतु परिवर्तन के साथ ही लक्षणों में वृद्धि हो तो सल्फर देना है। स्टेप्टोकोकिन एक्यम, टॉन्सिल के निकाल देने के बाद यदि बालक का शरीर नीला पड़ गया हो, वह दुबला पतला हो गया हो, आँखों के नीचे कालिमा छा गई हो, उत्साहहीनता आ गई हो तथा भूख मारी गई हो तो ये वाली दवा देनी है। महीने में एक मात्रा ही देनी है एक बार। कैल्केरिया कार्ब, यदि टॉन्सिलों को निकाल देने के बाद ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो गई तथा नाक के पिछले भाग पर शोध बन गया बना रहता हो तो इस औषध की सप्ताह में एक बार के हिसाब से कुछ महीनों तक देकर देखना चाहिए। दोस्तों ये तीन दवाइयाँ इस रोग की अच्छी दवा है और अगर एलोपैथिक से कोई भी उपसर्ग ऑपरेशन के बाद होती है उसमें भी ये दवाइयाँ काम में आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।